इनके लब रंगी मिठावर के जिसने चौड़ोमोस लगाकर या इसी तरीके से कोई और क्रीम लगाकर मच्छर से बचने के लिए नमाज या तरावी पढ़ी जा सकती है नहीं पढ़ी जा सकती है। जैसे कि अभी गर्मियों में छतों के ऊपर लोग तरावी वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसे में मच्छर परेशान करते हैं, तो उसके अंदर ओडोमोस या कोई ऐसी क्रीम लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं, वज़ू के बाद कोई ऐसी क्रीम लगाई जा सकती है। और क्योंकि इसके अंदर जो ओडोमोस है इसके अंदर खुशबू वगैरह होती है, कोई ऐसी चीज़ इसमें महक ऐसी नहीं होती कि जो बदबू की तरफ लेके जाए, तो इसलिए इसमें नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी। तो इसको वज़ू के ऊपर अगर लगा लिया जाए उसके बाद नमाज़ पढ़ लिया जाए तो नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा लोशन या ऐसी कोई तेल है कि जिसके अंदर बहुत सख्त बदबू होती हो या कपड़े उससे बदबूदार हो जाएंगे, तो फिर उसको जो है ना नमाज के दौरान ना लगाया जाए या मस्जिद की हाज़िरी के दौरान ना लगाया जाए। लेकिन अगर उसके अंदर बदबू का मामला नहीं है या तो कोई भी महक नहीं है या फिर खुशबू की तरफ उसकी महक जो है वो माइल है, तो उसको नमाज में या लगाकर नमाज जो है वो पढ़ी जा सकती है। पत्थर में असर